दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। अपने उल जुलूल कारनामों और भाषणबाजी के लिए चर्चित रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा राजनीति चमकाने के लिए कलेक्टरों को थप्पड़ मारने की बात से आहत लोकतंत्र सेनानी और घटना के चश्मदीद गवाह अजय खरे काफी आहत हुए। विराट 24 से चर्चा करते हुए मीसाबंदी अजय खरे ने बताया कि दरअसल घटना 18 सितंबर 1975 की है। मीसाबंदी केंद्रीय जेल रीवा में बंद किए गए थे। इस दौरान तत्कालीन कलेक्टर धर्मेंद्र नाथ मीसाबंदियों से मिलने बैरक नंबर 6 में पहुंचे थे, जहां प्रथम और द्वितीय श्रेणी को लेकर मीसाबंदियों से नोकझोंक हुई। इस दौरान पूर्व सांसद स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी, पूर्व सतना विधायक शंकरलाल तिवारी और डॉक्टर रामनिवास शुक्ला से विवाद हुआ तो इन लोगों ने कलेक्टर के साथ मारपीट कर दी, यहां तक कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। इस दौरान ना तो जनार्दन वहां थे और ना ही इनका कोई रोल था, उसके बावजूद घटना को वाहवाही बताना और ये कहना कि थप्पड़ मारने से राजनीति चमक जाती है, ये सरासर गलत है। श्री खरे ने बताया कि दरअसल इमरजेंसी लागू होने के बाद सतना सीधी सहटोल कलेक्टर ने मीसा बंदियों को दो श्रेणियों में बांटा था, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में लोगों को रखा जा रहा था, लेकिन तत्कालीन रीवा कलेक्टर योगेंद्रनाथ चतुर्वेदी ने इस तरह की कोई व्यवस्था केंद्रीय जेल रीवा में नहीं की और एक महीने बाद ही योगेंद्रनाथ चतुर्वेदी का रीवा से स्थानांतरण हो गया और रीवा के नए कलेक्टर धर्मेंद्रनाथ ने पदभार ग्रहण किया था। मानवता के नाते कलेक्टर धर्मेंद्रनाथ केंद्रीय जेल का निरीक्षण करने पहुंचे और मीसाबंदियों से चर्चा की। इस दौरान उनके साथ इस तरह की अप्रिय घटना घटी थी। आपको बता दें कि अजय खरे 18 मार्च 6 दिन केंद्रीय जेल में बंद थे और उस घटना के गवाह थे। आइए उन्हीं से सुनते हैं वो क्या घटना थी और आज उस घटना का जिक्र कर किस तरह से संदेश जनार्दन मिश्रा देना चाहते हैं, उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं। वायरल हो रहा है जिसमें कलेक्टर को चांटा मारने की बात कही जा रही है, वो घटना क्या थी, आप भी उस समय मौजूद थे, पूरी घटना जानना चाहते हैं लोग कि आखिर क्या थी और कैसे जिक्र करके लोग आज उसका किस तरह से प्रस्तुत कर। कलेक्टर के साथ मारपीट की घटना 18 सितंबर 1975 की थी और उस समय हम लोग सब मीसा में बंद थे। कलेक्टर आए थे अचानक अपने विजिट पर, उनका मन हुआ तो चलो मीसा बंदियों से ही मिल लें, तो वो अपना सहज ढंग से आए और वहाँ पर से कुछ लोग से मीसाबंदी, उसमें जो बात है कि सांसद महोदय की जनार्दन मिश्रा जी की, तो वो तो उस झगड़े में तो कहीं नज़र नहीं आए, न कोई मारपीट की बात हुई, लेकिन जिन लोगों ने मौजूद थे उसमें कौशल प्रसाद जी थे, चंद्रमणि त्रिपाठी थे, रामनिवास थे, इन्हीं लोगों से बातें हुई थी उनकी। और दिक्कत क्या थी कि उस समय जो क्लासिफिकेशन था मीसाबंदियों का, तो रीवा कलेक्टर जो पहले थे, इसके पहले ये तो कलेक्टर थे धर्मेंद्रनाथ जी, उसके पास पहले थे कलेक्टर योगेंद्रनाथ चतुर्वेदी, तो उनके समय के वारंट पर हम लोग की गिरफ्तारी हुए थे, उन्होंने क्लासीफाइड नहीं किया था मीसाबंदियों को, सबको सेकेंड कैटेगरी में था, जबकि और जिलों में फर्स्ट कैटेगरी में राजनीतिक बंदी के रूप में सबको दिया था, लेकिन रीवा में राजनीतिक बंदियों को सुविधा नहीं मिली थी। तो उनका किसी वजह से कोई ने कमेंट अमेंट किया होगा सतना वालों ने, तो कौशल प्रसाद जी को भी परेशानी थी कि कैटेगराइज होना चाहिए, तो उन्होंने अपने अपने ढंग से दलील दी कि मैं इनकम टैक्स पे ही वकील हूँ, ये वो है, चंदमणि जी के लिए भी कहा, ये कलेक्टर ने कहा धर्मेंद्रनाथ जी ने कि आप लिखिए राज्य सरकार को, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पहले के कलेक्टर ने जो किया तो उसको वो मीसा के कारण उनके साथ भी दिक्कतें थी, तो वो उनके साथ उसी के पहले जब कलेक्टर अंदर आए तो ब्रजेंद्रनाथ पांडे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत गंदगी रहती है, लेट्रिन गंदी है, तो उनका हाथ पकड़ के ले गए, जबकि कलेक्टर ने बोला वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ, मैं सफाई हो जाएगी यहाँ की, लेकिन उसके बाद वो पकड़ के ले गए, लौटे तो ये लोग घेर के खड़े हो गए और जब कलेक्टर ने मना किया कि हम नहीं कर पाएंगे तो उन पर झूमा झपटी मारपीट, उनका पेंट वेंट खींचा, चड्डी दिखने लगी, ये स्थिति हुई थी उनके साथ। उस घटना हमको कभी भी आता है कोई पूछता है, हमारे लिए वो बहुत अप्रिय घटना थी और राजनीतिक बंदियों के बीच में जहां हम लोगों का नारा था कि हमला चाहे जैसा भी हो हाथ हमारा नहीं उठेगा, जयप्रकाश जी का आंदोलन का, हम लोग इतना हम लोगों के बीच में जो साथी लोग थे उन्होंने जो कुछ किया वो कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, वो हमको दिमाग में हमेशा कोंधता है और वो तुलना आप वहाँ से करेंगे। और जब कलेक्टर ने मना किया कि हम नहीं कर पाएंगे तो उन पर झूमा झपटी मारपीट, उनका पेंट वेंट खींचा, चड्डी दिखने लगी, ये स्थिति हुई थी उनके साथ।
उस घटना हमको कभी भी आता है कोई पूछता है, हमारे लिए वो बहुत अप्रिय घटना थी। और राजनीतिक बंदियों के बीच में जहां हम लोगों का नारा था कि हमला चाहे जैसा भी हो हाथ हमारा नहीं उठेगा, जयप्रकाश जी का आंदोलन का, हम लोग इतना हम लोगों के बीच में जो साथी लोग थे उन्होंने जो कुछ किया वो कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, वो हमको दिमाग में हमेशा कोंता है। और वो तुलना आप वहाँ से करेंगे भगत सिंह के या किसी चीज़ की तो वो गलत है, क्योंकि भगत सिंह वाले में तो लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था और एक संदेश उनको देना था, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं थी। आमतौर पर कलेक्टर कभी बैरकों में जाते नहीं हैं और वो बाहर से ही जब वो उनका विजिट होता है पूरे जेल में लॉकअप हो जाता है और कोई सामान बने रूप से ऐसा होता नहीं है, लेकिन कलेक्टर ने कहीं ना कहीं उन्होंने हिम्मत की चलो मिलना है, कहीं हो सकता है हम लोगों के प्रति उनकी अच्छी भावना रही हो, तब जेल के अंदर आए थे। लेकिन ये अपनी वारदात होने से कुछ दिन हम लोगों को भी दिक्कत हुई। और जो लोग कलेक्टर के साथ यदि मारपीट किया कलेक्टर के चपरासी को भी मारेंगे तो अभी मार के देख लें, पता लग जाएगा कि पावर सर्क क्या होता है। और आप हिंसा करेंगे तो हिंसा को आप हम लोग राजनीतिक लोग जायज़ नहीं मानते हैं, वो गलत है तो गलत है। और हम लोगों का तो धर्म बनता है कि हम लोग उसको दूसरे ढंग से गांधीवादी तरीके से उसका प्रतिकार होना चाहिए। तो रीवा कलेक्टर के साथ और जो सांसद महोदय का कहना है वो अतिशयोक्ति है, और वो इस तरह के बयानबाजी जो करते रहते हैं बीच बीच में कुछ भी बोलते रहते हैं, कभी मोदी जी की दाढ़ी झड़ने से आवाज़ निकलते हैं उनके, तो कभी कुछ ऐसे ही अनाप शनाप बयानबाजी, कभी किसी को खन के गाड़ देंगे। इसी ढंग का ये बयान भी है कि जो बढ़ चढ़ के बोला गया है जहाँ उनका लेना देना नहीं है, उनकी वो स्थिति नहीं थी, ना उनकी कोई बातचीत हुई थी, ना वो उस मारपीट में थे, लेकिन अपना एक बताना कि हम बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं कि ये तरीका क्रांति का नहीं होता है, उनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और रीवा की जनता ने जिस ढंग से उनको चुन के भेजा है तो उनको ये समझना चाहिए कि कहाँ बैठे हैं, कैसी भाषा बोलना चाहिए। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है वो जिस पद में है, पूरे रीवा के जनता के लोगों का आप गलत संदेश दे रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसी बात उनके माध्यम से नहीं व्यक्त की जानी चाहिए।